हाय फ्रेंड्स, तो आज शुरू करते हैं कूलम्स लॉ. सी ओ यू एल ओ एम बी स्ट्रफी एस कूलम्स लॉ. यार हमने 11th क्लास में, सर 11th थोड़ा तो पढ़ा ही था ना, 9th से पढ़ते आ रहे हैं यार. 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो मास हों, एक m1 और एक m2, और अगर ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. याद आया, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ. ठीक है, लेकिन ये लॉ, ये जो फोर्स होता है, ये जो होता है फोर्स, कौन सा फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है. यानी कि दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल नहीं करते. लेकिन चार्ज में क्या सीन है, चार्ज का फोर्स अगर सेम लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, रिपल कर देंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो ये जो कूलॉम का फोर्स है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. लेकिन ये कूलॉम का फोर्स से लगता कहाँ है, अगर दो छोटे छोटे चार्ज हों, छोटे छोटे इन द सेंस पॉइंट चार्ज हों, पॉइंट चार्ज मतलब जो देखने पे पॉइंट लगे, देखने पे पॉइंट लगे मतलब बड़ा चार्ज भी हो लेकिन अगर आप उसको बहुत दूर से देख रहे हो तो कैसे लगेगा, छोटू सा पॉइंट. तो डिस्टेंस पे एक बात डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितनी डिस्टेंस पे चार्ज रखे हुए हैं. छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े भी चार्ज अगर छोटी छोटी डिस्टेंस पे रखे होंगे तो उनको भी हम पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, क्योंकि उनकी डायमेंशन को लैंग नहीं कर सकते ना. लेकिन अगर छोटा सा या बड़ा सा चार्ज बहुत दूर रखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज है. तो पॉइंट चार्ज मतलब जो देखने पे छोटे लगे, देखने पे पॉइंट लगे, ठीक, उनके लिए ही सिर्फ वैलिड है. इसकी लिमिटेशन में भी बताएंगे. तो पहली लिमिटेशन तो यही है कि कूलॉम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए. कहीं भी कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते. किसके लगा सकते हैं, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए. तो Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तो इनके बीच में फोर्स लगता है. अब अगर ये दोनों चार्ज सेम हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव. पहला दूसरे पे लगाएगा, इधर को F1 ने लगाया 2 पे, रिपल्सिव, दूर भगाएगा उसको. इसी तरह से दूसरा पहले पे भी लगाएगा F21, और न्यूटन के थर्ड लॉ का ये फॉलो करता है. यानी कि F21 बराबर F12 बट माइनस साइन. ठीक है, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इधर लगा रहा है वो उधर लगा रहा है, रिपल करेंगे. ऐसे ही अगर दोनों चार्ज अगर अपोजिट हुए, अनलाइक हुए, तो क्या हो जाएगा, फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा. ठीक है, वैल्यू उतनी ही रहेगी, कितनी रहेगी देखते हैं. दूसरी बात, ये जो कूलॉम का फोर्स होता है ना बच्चों, सेंट्रल फोर्स होता है. सेंट्रल मतलब लाइन ज्वाइनिंग पे ही एक्ट करता है, कहीं भी एक्ट नहीं करेगा. ये इस तरह से फोर्स नहीं लगाएगा, या ये वाला चार्ज इस तरह से फोर्स नहीं लगाएगा. कैसे लगाएगा, सिंपल, जो लाइन ये ज्वाइन हो रही है इसी लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स लगाता है. ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स. ओके, हमेशा याद रखना, लाइन ज्वाइनिंग पे ही दो चार्जेस की ये कूलॉम फोर्स लगता है. ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगता है, और पॉइंट चार्ज, हाँ ठीक है, पॉइंट चार्ज, तो सर कितनी बार पॉइंट चार्ज बताओगे. अब ये Q1 और ये Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेट हैं, तो बिल्कुल न्यूटन की तरह ही कूलॉम ने बताया कि जो फोर्स होता है, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. बोले तो कोई भी एक चार्ज बढ़ाओगे या दोनों ही बढ़ाओगे तो क्या होगा, फोर्स बढ़ता है, बढ़ता है. ठीक है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब अगर हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, दूरी बढ़ाओगे तो प्यार कम होता है. दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, और कैसे, बहुत तेजी से. दूरी बढ़ाई कितनी, 2, फोर्स कितना कम हुआ, 2 × 4, 4 टाइम्स. दूरियां अच्छी नहीं होती. बस में रखना है. ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने पर क्या मिला, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. एफ बराबर, जैसे वहां पे कांस्टेंट आता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां पे भी एक कांस्टेंट आता है के, बट बच्चों ये यूनिवर्सल नहीं है. बोले तो हर जगह के की वैल्यू सेम नहीं होती. ठीक है, तो क्या होती है, के मीडियम पे डिपेंड करता है. के डिपेंड्स अपॉन मीडियम. मीडियम कि आपने दो चार्जेस को पानी में रखा है, एयर में रखा है, ठीक है, कहां पर रखा है, ऑयल में रखा है, तो ये डिपेंड करता है किस पे, के मीडियम पे. ठीक है, तो ये कुछ नहीं था इसमें डेरिवेशन, वही न्यूटन का, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके. ओके,
ओके ओके, तो एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, बोले तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे न्यूटन का था ना इनवर्स स्क्वायर लॉ, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या हुआ रे, गाना गा रहे हो क्या सर? एफ और आर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ हमें आता है बनाना इसका, ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ आ जाता है, ठीक है, एक ग्राफ पूछ ले तो बना देना यार। ओके, तो ये था हमारा कूलम्स लॉ, ठीक, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, पहला नोट कर लेना, एन ओ टी ई, नोटी सर, नोटी, सेंट्रल फोर्स मतलब लाइन ज्वाइनिंग पे ही काम करता है, इट एक्ट्स अपॉन द लाइन ज्वाइनिंग। दूसरा, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। थर्ड, न्यूटन के थर्ड लॉ का फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ओबेड, ओबेड, न्यूटन के तीसरे लॉ का फॉलो करता है, ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लिमिटेशन मैंने बता दी है, पॉइंट चार्ज के लिए ही काम करता है। एक और लिमिटेशन इसमें आप ले सकते हो कि अगर दोनों चार्ज मोशन में हो, बोथ द चार्जेस आर इन मोशन, तो कूलॉम लॉ वैलिड नहीं होता, देन कूलॉम्स लॉ इज नॉट वैलिड, ठीक है, दोनों चार्ज कोई सा एक हो तो जब चलेगा, एक मोशन में हो तो चलेगा, लेकिन दोनों अगर मोशन में होंगे तब कूलॉम्स लॉ नहीं लगता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें शक्तिमान अंकल की तरह याद रखना। ओके, अब यार फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी भी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी भी है तो वेक्टर फॉर्म भी होगी, तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म, ठीक, वेक्टर फॉर्म मतलब मान लो कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक का पोजिशन वैक्टर, वैक्टर आना चाहिए यार आर वन, और दूसरे का पोजिशन वैक्टर क्या है बच्चों, आर टू, ये रहा और ये रहा, चार्ज क्यू वन चार्ज क्यू टू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ बोलो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बोले तो आर टू माइनस आर वन, ठीक है, और ठीक है ना। अब बताओ इनके बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, बताओ, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, तो कितनी है आर टू माइनस आर वन का मॉडुलस का स्क्वायर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन यही तो होगी ना इसकी, ये वाली, और हमें पता है डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन में मान लो कि यूनिट वेक्टर कितना है आर कैप, कितना है आर कैप, तो क्या करेंगे आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर बनाने के लिए। सर ऐसा कैसे, अरे यार अगर तुम आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलते हो तो क्या लिखोगे, 10 इंटू आई कैप, अगर तुम वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप की डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो क्या लिखोगे, 50 इंटू जे कैप लिखोगे ना। ऐसे ही अगर आप आर कैप की डायरेक्शन में, मैंने यहां पे यूनिट वेक्टर कितना मान लिया आर कैप की डायरेक्शन में एफ न्यूटन इतने न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो वेक्टर में कैसे लिखोगे, एफ इंटू आर कैप, और यूनिट वेक्टर हम पे सब पे निकालना आता है, आर कैप क्या होता है वेक्टर आर, बोले तो आर टू माइनस आर वन अपॉन मॉडुलस ऑफ आर टू माइनस आर वन, पता है ना वेक्टर आर इज इक्वल टू आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर का मॉडुलस, अभी इतना तो वेक्टर आता होगा यार, तो क्या करेंगे हम इसको एफ की वैल्यू रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर इंटू आर कैप, आर कैप बोले तो बस देखो ना आर टू माइनस आर वन अपॉन आर टू माइनस आर वन का मॉडुलस, तो एफ कितना हुआ के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू माइनस आर वन के मॉडुलस का होल क्यूब इंटू आर टू माइनस आर वन, दिस इज वेक्टर एफ, ठीक है, ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से अगर पोजीशन वेक्टर पे दे रखे हो तो हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से उसको लिख सकते हैं, लिख दोगे ना यार, इतना तो कर ही लोगे, ठीक है।
अब हम डिटेल में के की बात करते हैं। के मतलब कूलॉम कांस्टेंट, बताया था ना, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है मीडियम से, देखो के की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1/4πε0। एप्साइलन नॉट क्या है सर? दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फिलहाल तो वैक्यूम की है एप्सिलॉन नॉट, है ना, लेकिन अगर तुम किसी और मीडियम में रखोगे तो उसकी परमिटिविटी आ जाएगी। सर परमिटिविटी मतलब बच्चों ये है कि कोई भी मीडियम कितनी परमिशन देता है फील्ड में काट छाट करने की। फील्ड बनाने की परमिशन नहीं, फील्ड में काट छाट करने की। तो किसको परमिशन देता है? अपने मॉलिक्यूल को। मान लो यहाँ पे पानी बिखरा हुआ है, ठीक है, तो पानी अपने आप को कितनी परमिशन देता है फील्ड बनाने की, फील्ड में काट छाट करने की, सॉरी, ठीक है। मान लो 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था वैक्यूम में, लेकिन हमने वही दो चार्जेस जिनके बीच में डिस्टेंस r थी, चार्जेस q1 q2 थे, फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था, उन्हीं चार्जेस को हमने पानी में रख दिया। तो पानी क्या करेगा? पानी परमिशन देगा, परमिट करेगा। किसको परमिशन देगा? फोर्स को नहीं, अपने ही मॉलिक्यूल्स को। क्या परमिशन देगा कि जाओ भैया फील्ड में काट छाट करो। फील्ड अब 10 न्यूटन नहीं रहेगा, कितना रह जाएगा? 5 न्यूटन। बात समझे ना? तो ये होती है परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब मीडियम अपने आप को कितनी परमिशन देता है फील्ड में काट छाट करने की, ठीक, फील्ड को कम करने की। तो उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि परमिटिविटी अगर ज्यादा रहेगी तो क्या होगा? फोर्स कम लगेगा। क्यों? परमिटिविटी किसकी ज्यादा? काट छाट करने की, कम करने की परमिटिविटी ज्यादा, तो फोर्स ज्यादा रहेगा। यानी कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू कम रहने वाली है तो फोर्स ज्यादा रहेगा, और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा हो गई तो फोर्स कम रहेगा, ठीक है। परमिटिविटी बोले तो कितनी परमिशन देता है काट छाट करने की फील्ड में, ठीक है। तो बच्चों जब परमिटिविटी है तो एक वर्ड है रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब इसको एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, पता है ना रिलेटिव डेंसिटी क्या? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसे रिलेटिव परमिटिविटी क्या? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम से कंपेयर कर दो उसको, तो ये क्या कहलाती है? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। परमिटिविटी याद कर लो, परमिटिविटी, ठीक है। तो अब हम अगर F का फॉर्मूला अपना मॉडिफाई करना चाहें तो क्या बनेगा? K की जगह क्या लिख देंगे? 1/4πε0, किसके लिए? वैक्यूम के लिए, इंटू q1 q2/r2। तो नाउ दिस इज कूलॉम्स लॉ, ठीक है, ये आप समझना था। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, परमिटिविटी के बेस पे। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि 2 इक्वल चार्जेस ऑफ, चलो चार्जेस नहीं देते अभी, चार्जेस ब्रैकेट में क्यू ईच, ठीक है, चार्ज की यूनिट पता ना कूलॉम, चार्जेस क्यू ईच आर कैप्ड एट अ डिस्टेंस आर इन वैक्यूम एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ F न्यूटन इफ दे आर प्लेस्ड एट इन वॉटर ब्रैकेट में एप्सिलॉन आर बराबर 80। एप्सिलॉन आर समझते हो ना, रिलेटिव परमिटिविटी। कहीं कहीं इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया ना तो उसका मतलब भी क्या हुआ? रिलेटिव परमिटिविटी। उसको अगले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है, फिलहाल हम रिलेटिव परमिटिविटी बात करते हैं। दे आर कैप्ट इन वॉटर इन एट सेम डिस्टेंस देन What is the force experienced by them in water? बताओ, लगाओ, ऑप्शन दे दे, 80 F, ऑप्शन नंबर B, F upon 80, ऑप्शन नंबर C, कह नहीं सकते सर, हमें क्या पता, ऑप्शन नंबर D,
हमको नहीं आता। अरे सर क्या मजाक है, हमको तो आता है। आता है तो लगाओ ना यार, पॉज करके लगाओ। ठीक है, तो दो चार्जेस हैं, एक है क्यू और दूसरा भी क्यू, और दोनों किस डिस्टेंस पे रखे हैं? आर डिस्टेंस पे, दे आर सेपरेटेड। तो बताओ एफ कितना हो गया? 1/4πε0 वैक्यूम में रखे ना, क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया वैक्यूम का फोर्स। ठीक, अब हम इनको वाटर में रखें तो एफ डब्ल्यू बताओ कितना होगा? 1/4πε0 ऑफ वाटर। अब किसकी परमिटिविटी लगा देंगे? वाटर की परमिटिविटी। चार्ज तो सेम है, q अपॉन r, और वो तो सब सेम है ना, डिस्टेंस भी सेम रखा है, एंड सेम डिस्टेंस। अब बताओ कितना फोर्स हुआ? डिवाइड करते हैं, f नॉट अपॉन एफ डब्ल्यू, इधर लिखते इधर लिखते इधर बताओ f नॉट अपॉन एफ डब्ल्यू कितना हुआ? 1/4πε0 कटा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कटा, नॉट अपॉन डब्ल्यू, ऐसे नॉट एक यूज करना, 1/4πε0 कटा, 1/ε0 अपॉन 1/εw, इससे भी ये कैंसिल हो गया। तो ये एप्सिलॉन डब्ल्यू ऊपर आ गया और एप्सिलॉन नॉट नीचे, और ये तो कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो एफ नॉट अपॉन एफ डब्ल्यू, एफ नॉट जो कि एफ था, इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, जो कितना दे रखा है 80। एफ डब्ल्यू कितना आया? एफ अपॉन 80। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स घट गया वाटर में, कितना घट गया? 80 टाइम्स। अब परमिटिविटी का मतलब थोड़ा और क्लियर करो, रिलेटिव परमिटिविटी अगर किसी की 80 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ के 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 वाटर ने परमिशन दी किसको? अपने ही आपको, कि जाओ और 80 गुना फोर्स कम कर दो। क्या कर दो? 80 गुना कम कर दो। ठीक है, ओके। अरे हाँ, बीच बीच में तुम्हें एक बात तो बताना भूल गया था बच्चों, कूलॉम ने 1/4πε0 की वैल्यू भी बताई, कितनी है? 9×10⁻⁹ यूनिट निकाल सकते हो वहां से, f बराबर k, जो कि ये है q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k की यूनिट बताओ, f r स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये आपको याद रखनी होती है ना, पेपर वगैरह में दी जाती है। और हाँ, एप्सिलॉन नॉट की बताई है, कितनी? 8.85×10⁻¹2। ठीक है, ये ऐसे ही थोड़ी नॉलेज के लिए बताइए, उसने भी लिखी तो हमने भी लिख दी है, वैसे एग्जाम में आपको दी जाती है कि यूज दिस यूज दिस। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी का क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से आ सकता है? कि बहुत आसान है, रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स घट जाता है, जैसे वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी? 80, तो फोर्स क्या हुआ? 80 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, 80 टाइम्स घट गया। ठीक है, ओके, अब और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स, सुपर पोजिशन। 11th में पढ़ा वेव्स का सुपर पोजिशन, मतलब दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2, आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं? F12। एक तीसरा चार्ज आ गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? नेट फोर्स तीसरे चार्ज पे दोनों कितना लगाएंगे? नेट फोर्स, या कह लो कि Q1 पे कितना टोटल फोर्स लगेगा? ओके, ऐसे कह लेते हैं ना, Q1 पे कितना फोर्स लगेगा? अब ध्यान समझना सारी बातें, Q1 पे कितना फोर्स लगेगा? Q1 पे, Q1 Q2 Q3, तो यार Q2 Q1 पे कुछ फोर्स लगाएगा, पहले से ही लगा रहा होगा। कैसे लगाएगा? बाहर की तरफ को, पता है ना लाइन ज्वाइनिंग पे काम करता है, मान लो कि सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन फोर्स। अब Q1 पे फोर्स लगाना, Q1 को भूल जाओगे Q1 फोर्स लगा रहा है, इस पर चेक करना, ठीक है, तो Q1 को भूल जाओगे Q1 भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, Q1 को छुपाओ। Q2 इस पर कितना फोर्स लगा रहा है? ऐसे कितना? F12, ठीक। Q3 कैसे लगाएगा? ऐसे ऐसे वैसे, लाइन ज्वाइनिंग पे लगाता है, तो ये रही लाइन ज्वाइनिंग, सीधा सीधा लगाएगा, मान लो के फिर से ये भी पॉजिटिव है तो ये भी रिपल्सिव लगेगा, इसको बाहर को फेंकने की कोशिश करेगा, कितना लगाएगा? F13। तो बताओ नेट फोर्स कितना हुआ इस पे? इनके बीच का कुछ एंगल होगा वेक्टर, ठीक है ना, याद रखना। तो वेक्टर F नेट कितना हो गया, जल्दी बताओ? वेक्टर F1 ने 2 पे कितना लगाया, और 1 पे 3 ने कितना लगाया? 1 पे 2 ने कितना लगाया, प्लस 1 पे 3 ने कितना लगाया? तो क्या कर देंगे हम इसको? वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स स्क्वायर थोड़ी कर दोगे, 2 + 3 5 हो गया, कुछ एंगल वेंगल का चक्कर होगा, ओह सॉरी। तो क्या होगा,
आंसर निकाल लेंगे ना, कूलम्ब ये सब पढ़ा हमने, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, तो वहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं, समझे। तो सुपरपोजिशन क्या है, देखो एक बात और पता लगी कि तीसरे चार्ज को रखने से टू जितना वन पे फोर्स लगा रहा था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी क्वेश्चन आता है कि दो चार्ज रखे हुए हैं और वो 10 न्यूटन आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो एक तीसरा चार्ज क्यू थ्री रख दिया जाता है, तो बताओ अब क्यू टू क्यू वन पे कितना फोर्स लगाएगा। तो आंसर क्या है, अब क्यू टू क्यू वन पे सेम फोर्स लगाएगा, तीसरे चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट फोर्स पे फर्क पड़ता है लेकिन क्यू टू के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा बट क्यू टू जितना क्यू वन पे पहले लगा रहा था उतना ही क्यू टू क्यू वन पे अभी भी लगा रहा होगा। समझ गया ना कहानी, ये थोड़ा छोटी बात ध्यान रखना। तो सुपर पोजिशन क्या हुई कि अगर बहुत सारे चार्ज मिल करके किसी एक चार्ज को जकड़े हैं, पकड़े हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, मान लो 10-12 चार्ज रखे, तो पहला कितना लगा रहा है, दूसरा पहले पे कितना लगा रहा है, तीसरा कितना लगा रहा है, चौथा कितना लगा रहा है, सबको क्या कर दोगे, वेक्टोरियली ऐड कर दोगे, वेक्टोरियली एंगल वेंगल का ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। दिस इज द सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। बहुत सारे इस पर क्वेश्चन हमें लगाने हैं, इंपॉर्टेंट। तो सुपर पोजिशन अभी हमने पढ़ा, अब सुपर पोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्या है पता लग गया ना, कुछ नहीं है यार, सब फोर्सेस को ऐड करना है वेक्टोरियली, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। ओके, तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसके हर वर्टेक्स पे, उसके हर वर्टेक्स पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज। देन फाइंड द फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये बताना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड रखिए एल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है एल। चलो लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर एक वर्टेक्स पे चार्ज को रखा हुआ है, उसकी साइड एल है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे हर एक वर्टेक्स पे मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, इस पे सब पे कितना चार्ज रख दिया, क्यू क्यू और क्यू, ठीक। अब बताओ कि ए पे फोर्स निकालना है, सबसे पहले कहाँ निकालना है, ए पे, ईच ऑफ द वर्टेक्स में से ए एक वर्टेक्स है, सबसे पहले ए पे हमें फोर्स निकालना है। क्या करेंगे, इसको भूल जाओ कि ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस पे लग रहा है, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज और ये वाला, दोनों सारे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव ही होगा, तो ये क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितने फोर्स से, सपोज करो एफ वन फोर्स से, ठीक है। ये वाला क्यू भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितने फोर्स से, एफ टू फोर्स से, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल 60 होने वाले हैं, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या करेंगे, अब ध्यान करो, वेक्टर, दो वेक्टर लगे हैं F1 और F2, दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ, क्या लगा देंगे, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेलल की दो साइड से रिप्रेजेंट पता है सब, तो बताओ F नेट कितना हो गया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60, ठीक है। अब ध्यान देखेंगे, साइड L है सबकी बराबर, तो पहले F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, F1 कितना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर। ऐसे ही F2 बताओ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर, ये दोनों बराबर आ गए, तो दोनों को X मान लेते हैं, बार बार इतनी बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो उसको X मान लिया हमने, कितना हो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एक्स कॉस 60, बच्चों कितना होता है, 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो कितना आ गया, अंडर रूट 3x, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 3 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, दिस इज द नेट फोर्स, हर एक वर्टेक्स पे निकाल लोगे, ये मैंने सिर्फ ए पे निकाला, बी पे बताओ, अब बी को भूल जाओगे, बी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बी पे लग रहा है, कौन कौन लगा रहे हैं बी पे, जल्दी बताओ, उसको नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके, कौन कौन लगा रहे हैं, एक तो ये लगा रहा है ए वाला, कैसे लगाएगा, ऐसे रिपल्सिव, एक ये लगा रहा है, कैसे लगाएगा, ऐसे रिपल्सिव, एफ टू, फिर से
एंगल 60 डिग्री, सेम टू सेम आंसर, ठीक है ना, समझ गए कैसे करना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर टू, देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि एक रेक्टेंगल है, दिस इज अ, नहीं रेक्टेंगल नहीं, पहले स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू 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 क्यू, ठीक है, तो हमें नेट फोर्स निकालना है हर एक वर्टेक्स पे, मान लो कि पहले हमें यहाँ निकालना है इस पे, ठीक है, तो क्या करेंगे, सुपरपोजिशन, सारे फोर्सेस को अलग अलग देखेंगे, इसको भूल जाओ कि ये कुछ फोर्स लगा रहा है, अब इस पे कोई फोर्स लगा नहीं रहा, ये इस पे फोर्स लग रहे हैं, अब देखेंगे कि इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, पहले ये लगा रहा है, मान लो ये लगाया इसने F1, ठीक है, ये लगा रहा है, लाइन ज्वाइनिंग पे लगाता है, सेंट्रल फोर्स है, सीधे सीधे रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि सारे फोर्स कैसे हैं, चार्ज कैसे हैं, एक जैसे हैं, ये लगाएगा लाइन ज्वाइनिंग पे, फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है F3, ठीक है, तीन वेक्टर हो गए, तो तरीका क्या है, पहले F1 और F2 का नेट निकालो, F1 और F2 का नेट निकालो, 90 डिग्री पे एक कर रहे हैं, तो 45 डिग्री पे एक करेगा इनका, यानी कि ये आ जाएगा इधर, F2 आ जाए, F2 3 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, पहले F1 और F2 का नेट निकालो, नेट कहाँ आएगा इनका रिजल्टेंट, पहले नाम लो, डायगनल बताएगा, और डायगनल देखो ये तो डायगनल है, यहाँ पे F3 भी एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F2, F1 और F2 का, सॉरी F1 और F2 का रिजल्टेंट और प्लस F3 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो मान लो इसकी साइड A है स्क्वायर की, तो पहले हम F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो बताओ क्या हुआ, इस तरह से काम कर रहे हैं दोनों, F1 और ये F2 एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो बताओ इनका नेट कितना हो गया, F1 टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90, cos 90 जीरो होता है, तो वाली टर्म जीरो हो जाएगी, अब बताओ F1 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, F1 F1 ये है F1 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, R मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, जो कितनी है A, A स्क्वायर, F2 बताओ, F2 इन दोनों के बीच का फोर्स F2, तो कितना हुआ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सेम टू सेम A, ऐसे F3 बताओ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस बार R क्या है, ये है R, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो बताओ कैसे निकालोगे, पाइथागोरस यार, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोले तो अंडर रूट टू ए, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, अंडर रूट टू ए का होल स्क्वायर, तो F1 F2 दोनों बराबर हैं x मान लो, तो कितना हुआ बताओ, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बोले तो अंडर रूट टू x, x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो रे बच्चों, मैं एक काम और करते हैं, नहीं करते कुछ, चलो x की वैल्यू देते हैं, x की वैल्यू ये रही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2 ये वाला q1 q2 मतलब q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास F12, ठीक है, 1-2 मतलब 1 और 2 का रिजल्टेंट, जो कि कहाँ काम करेगा हमें पता है 45 डिग्री पे, यानी कि इसी के अलोंग F3 के, ठीक है, इसको नोट कर लेना पॉज करके, अब बताओ नेट फोर्स कितना हो गया, F नेट F1 2 प्लस F3, F1 2 ये वाला और प्लस F3 एक ही लाइन पे तो काम कर रहे हैं दोनों, सिंपली ऐड इनको कर सकते हैं, 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो कितना है F12 ये रहा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस F3 अभी हमने निकाला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन अंडर रूट 2 a का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास F नेट, कॉमन कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन आया q स्क्वायर नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर क्या बचा अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 2 का स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये एक हमारे पास एक और स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सो नोट करते रहना पॉज करके, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, देखो सुपर पोजिशन का तुम्हें पूरा मतलब समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से काम करता है, वेक्टोरियली सारे फोर्सेस को ऐड कर देना है, अब हम क्या करते हैं ना सेंट्रॉइड पे, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे फोर्स निकालते हैं, फिर से वही इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है क्यू 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 और इसके सेंट्रॉइड पे भी कितना चार्ज रखा हुआ है क्यू, अब हमें यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है,
अब बताओ कौन कौन फोर्स लगाएगा, इसको भूल जाओ, ये लगाएगा Q इस पे इस तरह से F1, ये वाला इस पे लगाएगा किस तरह से F2, ये वाला लगाएगा इस पे इस तरह से F3। ठीक है, समझ में आ रही ना कहानी? ठीक, अब देखो ये कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो कि सब बराबर होती है तो पता है सेंट्रोइड से डिस्टेंस बराबर होती है, सब ए ए ए ऐसी हैं। ठीक है, साइड डिस्टेंस कितनी है, ये भी ए मान लो, ये भी ए मान लो, ये भी ए मान लो। ठीक, पता है ना सेंट्रोइड से वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर होती हैं। ठीक, ओके, तो अब बताओ कितना फोर्स लगा। देखो ध्यान से देखना, इसने इस पे लगाया ऐसे रिपल्सिव फोर्स, इसने इस पे लगाया ऐसे रिपल्सिव फोर्स, इसने इस पे लगाया ऐसे रिपल्सिव फोर्स। ठीक, अब बताओ ये एंगल कितना हुआ F2 F3, सबको पता है कितना एंगल है, 120 डिग्री, पता है ना सबका। नहीं देखो ये, देखो यहाँ से 30 पूरा 60 होता है, ये पता है ना यार, ये सब चीज़ थोड़ी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। ये 30 और ये 30, तो ये कितना एंगल हो गया 120, और ये वर्टिकली अपोजिट भी कितना हो गया 120। तो हमें पहले क्या मिला, देखो बिल्कुल पहले जैसा F2 और F3 का हम रिजल्टेंट निकालेंगे जो इस लाइन पे आ जाएगा बीचों बीच, पैरेललोग्राम लो F2 और F3 का रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा F2 3, और फिर F2 3 और F1 को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, F2 3 ऐसे लग रहा है और F3 F1 इसके जस्ट अपोजिट है, पिछली बार क्या था एक ही डायरेक्शन में थे तो ऐड कर दिया था, इस बार क्या है सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बताओ F2 3 कितना हुआ, F2 3 मतलब 2 और 3 का रिजल्टेंट, अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos 120 डिग्री, ये तो हुआ। अब देखो F2 की वैल्यू वहां से निकालते हैं, F2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन k Q1 Q2 दोनों चार सेम, F2 कौन लगा रहा है ये वाला Q1 Q2 अपॉन साइड तो बराबर है a a स्क्वायर। अब बताओ F3 कितना हुआ, F3 कौन लगा रहा है ये वाला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 यानी कि Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस फिर से a है a स्क्वायर, दोनों बराबर है x मान सकते हो अभी पहले जैसे किया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू x एक्स स्क्वायर कॉस 120 होता है बच्चों माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब x, x मतलब इन्हीं के जितना फोर्स आ गया। ठीक है, तो ये F23 आ गया हमारे पास x, x मतलब k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आ गया F23। और बताना जरा F F1 कितना है, F1 जो ये लगा रहा है कितना लगा रहा है, K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, तो बराबर ही है, तो ये दोनों सेम टू सेम आ गए। ठीक है, यानी कि जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना ही यहां लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया जीरो, नेट फोर्स कितना हो गया जीरो, क्लियर है कहानी। तो सेंट्रॉइड पे कितना फोर्स लगने वाला है ट्रायंगल के, जीरो। ठीक है, ठीक है बच्चों, ए बच्चों चलो अब एक स्क्वायर के सेंटर पे निकाल, यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर के वर्टेक्स पे चार चार्ज रखे हुए हैं Q Q Q Q, सेंटर पे भी एक चार्ज रखा हुआ है Q। अब हमें सेंटर पे नेट फोर्स निकालना है, बताओ फिर से इसको भूल जाओ सर, भूल कैसे जाए, भूलना पड़ता है। देखो अब Q Q पे कितना फोर्स लगा रहा है F1, ये वाला मान लो कितना लगा, रिपल्सिव, भार को मैं क्यों बना रहा हूं, दोनों सब चार्जेस में सेम मान रहा हूं सेम साइन के, ऐसे ये कितना लगा रहा है, देखो ये वाला, ये तो इसका फोर्स हो गया बाहर को F1, ये वाला इसका फोर्स हो गया बाहर को F2, और इस वाले Q का ये इधर को लगाएगा, और ऐसे ये वाला Q ऐसे लगाएगा, तो देखो क्या होगा, सब बराबर होंगे, पता है ना डायगनल बाइसेक्टिंग चित्रलेन दे आर इक्वल, स्क्वायर में हमें बताया कि डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये सारी डिस्टेंस बराबर हो जाएंगी, चार्ज सारे बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ नेट फोर्स सेंटर पे जीरो, कितना हो जाएगा फिर से जीरो, F2 और ये F3 आपस में कैंसिल, F1 और F4 आपस में कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना हो गया जीरो, क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कोई भी एक सिमेट्री, इस तरह की कोई सिमेट्री मिलेगी, कोई ट्रायंगल मिलेगा, तीनों चार्ज रखे हुए बीच में चार्ज पूछेगा जीरो हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि सारे चार्ज बराबर होने चाहिए। ठीक है, सारे चार्ज बराबर होने चाहिए, ऐसे स्क्वायर में भी क्या हो गया यहाँ पे सेंटर पे कितना हो गया जीरो, ठीक है चार्ज बराबर होना चाहिए, नहीं हुए तो फिर वेक्टर लॉ, ओके बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे फिर से, एक ट्रायंगल है और यहां पे मैं चार्ज अब बदल रहा हूं Q, 2Q और माइनस Q, ये तीन चार्ज रखे हुए हैं। अब बताओ हर एक वर्टेक्स पे कितना फोर्स लगेगा,
हर एक वर्टेक्स पे, ए पे कितना, बी पे कितना, सी पे कितना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड मान लो ए है, ठीक है। अब बताओ सॉल्व करके, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, खुद से लगाना एक बार यार। तो ये रहा क्यू चार्ज। अब देखो क्यू पे पहले मुझे फोर्स निकालना है, तो कौन कौन लगा रहा है इसमें फोर्स, टू क्यू भी लगा रहा है और क्या है माइनस क्यू भी लगा रहा है। टू क्यू पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा मतलब बाहर की तरफ को, तो इसने लगाया एफ वन, ठीक है। अब माइनस क्यू भी लगाएगा क्यू पे, लेकिन कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव। क्यों लगाएगा अट्रैक्टिव सर, एक प्लस एक माइनस, तो इसको खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, माइनस क्यू इसको खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये दो फोर्स हो गए एफ वन और एफ टू। ये एंगल कितना हुआ, एक्सटीरियर एंगल जल्दी बताओ 120, ठीक है ना, 60 प्लस 60, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 60 प्लस 60, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो निकाल लोगे आंसर फिर से, नेट फोर्स इसका यहाँ ऐसे कुछ आ जाएगा एफ वन टू, कितना है बताओ, एफ वन टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 120। एफ वन की वैल्यू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू वन मतलब 2q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गई एफ वन की वैल्यू। लिख दो एफ वन इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट मतलब के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन ए स्क्वायर, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू, कितना हो गया के 2q स्क्वायर, या 2 शुरू में लिख लो यार, 2k q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऐसे ही एफ टू बताओ कितना हुआ, एफ टू ये लगा रहे अट्रैक्टिव फोर्स 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, कितना लेंगे क्यू माइनस क्यू। देखो माइनस लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी में हम कभी भी चार्जेस के साइन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन बताता है माइनस साइन, और हमने पहले ही डायरेक्शन ले ली है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम कभी भी साइन के चार्जेस नहीं लेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी स्केलर में लेंगे, ठीक है। अभी पोटेंशियल आएगा, वर्क डन आएगा, उसमें हम माइनस साइन लेंगे, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में कभी भी चार्जेस के साइन नहीं लेने, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, ओके। तो q1 into q2 जो कि q ही है अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस a स्क्वायर, तो ये कितना हुआ k q2 by a स्क्वायर। अब देखो थोड़े इसको आसान बनाने के लिए ऐसे वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो उससे बचने के लिए इसको x मान लो, तो बताओ ये कितना हो गया 2x, बोलो ना, ठीक है ना 2, और ये कितना हो गया x, इसको मैंने x मान लिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं f12 कितना हुआ, f1 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, f2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन 2, 2 से कटा 2, ठीक है। तो कितना हुआ बताओ ये 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर अंडर रूट 3x, एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। ये आ गया हमारे पास f12। डायरेक्शन सब पे आते हैं, डायरेक्शन निकालनी जल्दी बताओ कहाँ से निकालनी, अल्फा कहाँ से मानो, कहाँ से मानो, यहाँ से मान लो चाहे यहाँ से मान लो, याद रखना अल्फा के पास वाला a, अल्फा से दूर वाला b, कौन सा a b, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, पता है ना ट्राइंगल लो b साइन थीटा, b मतलब f अल्फा से दूर वाला, तो अल्फा से दूर कौन सा है f2, तो b साइन थीटा, थीटा मतलब ये 120। डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, F1 प्लस F2 cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 120, वैल्यू निकाल लो यहाँ से अल्फा की, डायरेक्शन आ जाएगी, क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही है सर, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है कहानी, बोलो यार जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब बच्चों, कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम सर, इक्विलिब्रियम मतलब, अरे बहुत आसान, यहाँ पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज रखा है मान लो 4q, अब हम तीसरा चार्ज कहाँ रख दें कि उस पर नेट फोर्स जीरो लगे, तो उसको तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं भाई, 2 न्यूटन इसने लगाया 2 न्यूटन उसने लगाया, तो ये किस चीज़ में है, इक्विलिब्रियम में, क्लियर है ना। तो हम तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो रहे, और कितना रखें, ठीक है चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मान लो, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि हम रखें कहाँ, क्या हम लाइन ज्वाइनिंग के बाहर रखें या हम इसके अंदर रखें। चलो मैं बाहर रखता हूँ, मान लो यहाँ मैंने कोई चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कुछ भी, ठीक है। अब बताओ कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स सुपरपोजिशन याद रखना, प्लस वाला रिपल करता है, माइनस वाला अटक करता है, ठीक है। प्लस वाले ने इसने बाहर की तरफ को लगाया, किसने लगाया बाहर की तरफ को, 4q वाले ने, F1 ज़्यादा लगाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। ये वाला भी कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ को, यार दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, तो अगर दोनों फोर्स ऐड होंगे तो आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो मतलब बाहर तो हो नहीं सकता, इधर नहीं हो सकता, ठीक है।
इधर देखते हैं क्या हो सकता है, क्या देखते हैं ये प्लस वाला कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ को। ये 4q वाला भी कहाँ लगाएगा, उस पर बाहर की तरफ को। मान लो कि चार्ज पॉजिटिव हमने रखा है, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव रख दूँ तो दोनों कहाँ लगाएंगे, अंदर की तरफ को, तो फिर भी ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। तो मान लो कि मैंने चार्ज कहाँ रख दिया, यहाँ बीच में रखा, कहीं भी किस बीच में नहीं मतलब किसी भी यहाँ डिस्टेंस पे। तो मान लो यहाँ से मैंने इनके बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस आर थी और मैंने यहाँ से x डिस्टेंस पे चार्ज रखा, तो यहाँ से कितनी बची बोलो, r माइनस x, ठीक। अब बताओ कि यहाँ पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, प्लस वाला ये कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ को, F1, ये वाला इसको बाहर की तरफ को धकेलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज मानते हुए, ठीक है। और ये वाला कहाँ लगाएगा, ये 4q वाला, ये भी इस पर बाहर की तरफ को लगाएगा। तो अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या हो सकता है, नेट फोर्स जीरो मिल सकता है, ठीक है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में रहा, ये कहीं नहीं गया, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर होना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं बोलो, F1 की वैल्यू बताओ, K, F1 मतलब ये लगा रहा है इस पे, ये वाला K, Q1, Q2 अपॉन R स्क्वायर, R मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ऐसे यहां से बोलो K, Q1, Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू से क्यू कटा, क्यू से क्यू कटा, के से के कटा, ठीक है। कितना बचा यहाँ से बोलो, जल्दी 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 जल्दी, छेती छेती, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो बचा बोलो यार। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और होल स्क्वायर इसका खोल देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू आर एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले सारे एक साइड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व कर सकते हो। थ्री बन जा, थ्री के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर कितना है, टू आए, तो थ्री माइनस वन हो गया, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आर एक्स माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ से क्या कॉमन, 3x कितना बचा, x प्लस आर, यहाँ से क्या कॉमन, माइनस आर कितना बचा, x प्लस आर, एलसीएम 3x माइनस आर और x प्लस आर बराबर जीरो, ठीक है। अब बताओ यहाँ से क्या दो वैल्यूज आई, एक तो आया यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू आर बाई थ्री और एक कितना आया, x इज इक्वल टू माइनस आर, विच इज नॉट पॉसिबल, डिस्टेंस नेगेटिव भी थोड़ी होगी, तो x कितना आ गया हमारा आर बाई थ्री, यानी कि यहाँ से हम r बाई थ्री डिस्टेंस पर रख दें, तो यहाँ से कितना, टू आर बाई थ्री पर रख देंगे 4q वाले से। समझ में आया, इक्विलिब्रियम मतलब समझ में आया कि इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, जीरो, क्लियर है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है।